महोबा में श्रीनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो अंतरराज्यीय असलाह तस्करों को 5 अवैध तमंचों व बुलेट मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। यह असलाह तस्कर करीब 5 माह से अवैध कारोबार को अंजाम देकर 5 से 6 हजार रुपए में बेचने का कार्य कर रहे हैं। महोबा में श्रीनगर थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि स्वासामाफ गांव में रहने वाले गोलू राठौर और देवेंद्र यादव करीब 5 माह से अवैध असलाह बनाने का कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, दोनों आपराधिक व्यक्तियों के लोगों को असलहे बेचकर आपराधिक घटनाओं को बखूबी अंजाम दिला रहे हैं। पुलिस ने बताया कि गोलू राठौर और देवेंद्र यादव सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में हरपालपुर कस्बे में रहने वाले सतीश के इशारे पर अवैध असलाह बनाने का कार्य कर रहे थे और सतीश छतरपुर के दिग्गी राजा संत राजा को 5 से 6 हजार में असलाह बेचकर अपराध और आपराधिक वारदातों को बढ़ावा देते थे। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किस तरह के काम को अंजाम देते थे लोग? जनपद महुआ के स्वाट टीम प्रभारी एसआई राहुल परमार को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि स्वासामाफ थाना चरखारी निवासी देवेंद्र यादव द्वारा अवैध रूप से निर्मित तमंचों का व्यापार किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है उसके द्वारा। प्राप्त सूचना के अनुसार कार्रवाई करती है उन्होंने थाना श्रीनगर पुलिस को साथ लेकर कल दिनांक 21 मार्च को समय 8:30 बजे बिल्की तराहे के पास से देवेंद्र यादव व उसके साथी गोलू यादव जो कि स्वासामाफ का ही रहने वाला है गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 5 तमंचे और 3 कारतूस 315 बोर के जो अवैध रूप से निर्मित किए गए थे और जिनको सप्लाई करने के लिए ले आया जा रहा था गिरफ्तार किया गया और इस कार में प्रयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सर, ये लोग पहले से इनके खिलाफ कोई इस प्रकार के मामले दर्ज हैं क्या? नहीं, पहले से इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है इस तरह का। देवेंद्र यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट का एक मुकदमा पूर्व में वर्ष 21 का थाना चरखारी क्षेत्र में पंजीकृत। कितने दिनों से सर कार्य कर रहे थे? ये करीब 4-5 महीने से इसने अपना ये कार्य करना स्वीकार किया है। ये कहां से बेचते थे, क्या ये जानकारी करने पर इन लोगों ने बताया है कि सतीश निवासी हरपालपुर जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्माण कराया जाता था इनके द्वारा अवैध तमंचों का और उन तमंचों को छतरपुर निवासी ही डिग्गी राजा और संत राजा को इनके द्वारा 5 हजार 6 हजार रुपए में और 10 हजार रुपए तक की कीमत में सप्लाई किया जाता था।